इंग्लैंड के ओवल में जारी टेस्ट सीरीज के पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड भारत के खिलाफ मैच में मजबूत स्थिति में आ गया। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली को कप्तानी से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले इन खबरों पर और अटकलबाजी होती आईपीएल की टीम आरसीबी बयान के साथ सामने आ गई। आरसीबी ने कोहली को कप्तानी से बर्खास्त किए जाने की किसी भी खबरों से इनकार किया। आरसीबी के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है, विराट अगले सीजन के लिए भी हमारे कप्तान रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि फ्रेंचाइजी साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को कप्तानी देने का फैसला ले चुका है और उसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। हाल ही में आरसीबी ने न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी की जगह साउथ अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन को अपना हेड कोच बनाया है, जबकि बैटिंग और फील्डिंग कोच ट्रेंट वुडहिल और एलन डोनाल्ड को भी पद से हटा दिया गया। फ्रेंचाइजी ने आशीष नेहरा को गेंदबाजी कोच बनाया है। नेहरा पिछले सत्र में आरसीबी से जुड़े थे। कोहली आरसीबी की ओर से साल 2008 से खेल रहे हैं और पिछले 6 सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हैं। कोहली और डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के होते हुए भी फ्रेंचाइजी अब तक एक बार भी चैंपियन नहीं बन सकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली इस फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, लेकिन इंग्लैंड में जारी टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी कप्तानी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।